खबर उन्नाव जनपद से है, जहां असोहा थाना क्षेत्र के मदारी खेड़ा गांव के रहने वाले बलराम यादव उम्र 50 वर्ष पुत्र नंद किशोर यादव रविवार देर शाम दाढ़ी बनवाने चंदन खेड़ा चौराहे गए थे। वहां से लगभग रात 9 बजे गांव वापस जा रहे थे, तभी गांव के पहले हरिनाम खेड़ा समाधा मार्ग के पास पीछे से आए गाँव के ही सर्वेश और हेमराज ने एक अन्य साथी के साथ ललकार कर उन्हें रोक लिया और गिरता देख बलराम बाइक छोड़कर भागे। तभी उक्त तीनों लोगों ने दौड़ाकर उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही बलराम गिर गए। घायल बलराम को पीठ व हाथ में गोली लगी हुई है। बलराम को गिरा देख तीनों भाग खड़े हुए। वही घायल बलराम ने मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए स्वास्थ्य केंद्र असोहा उन्हें लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। कहां से आप आए? कहां? मदारी खेड़ा से। क्या हो गया था? किसने मारी है? क्या ये किस थाने से आ रहे हैं आप? तो पुलिस ने क्या मदद की सर? पुलिस ने काफ़ी सब लोग आ गए थे, सब लोग आ गए थे मौके पर, सब प्रशासन आ गए।